हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। तो बच्चों हम पी ब्लॉक पढ़ रहे हैं। पी ब्लॉक में पिछली क्लास में अमोनिया को कंप्लीट किया, ठीक है। मैं ट्राई करूंगी जल्दी जल्दी आपके लेक्चर्स आएँ बिफोर एग्जाम्स, आपका सिलेबस कंप्लीट हो, ठीक है। तो पिछली क्लास में हमने अमोनिया कंप्लीट कर लिया, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। अब आपको पता है नाइट्रोजन, वैसे तो नाइट्रोजन गैस का उपयोग जो है वो हम वहाँ करते हैं जहाँ अक्रिय गैस की जरूरत पड़ती है। भाई अक्रिय गैस वायुमंडल में 1% ही है, अब 1% वाली चीज़ को लाएंगे तो हम कहेंगे है ही कम, फिर लाओगे कहाँ से, ठीक है। तो वो जो काम कर रही है वो काम आपका नाइट्रोजन कर देती है। तो मैंने आपको बताया था नाइट्रोजन गैस वहाँ प्रयुक्त की जाती है जहाँ अक्रिय गैस की जरूरत हो। क्यों? तो हम कहेंगे नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड एन है, तीन बॉन्ड को तोड़ने में तो जान ही निकल जाएगी। तो इतनी ज़्यादा बंद वियोजन ऊर्जा है कि ऑर्डिनरी कंडीशन में, सामान्य परिस्थितियों में, नॉर्मल सिचुएशन में वो रिएक्ट करती ही नहीं है। तो बढ़िया, रिएक्ट नहीं करती है तो हम कहेंगे वहाँ बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, अक्रिय गैस की तरह काम में ले लेंगे, है ना। हम साइंस के स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, हमें क्या करना है, हर चीज़ में से अपना काम निकालना है, ठीक है। तुम अच्छे हो तो अच्छा ही निकाल देंगे, बुरे हो तो उसमें से भी अच्छा ही निकाल के अपना काम निकालेंगे। तो नाइट्रोजन अगर रिएक्ट नहीं करती तो हम कहेंगे वहाँ टेंशन फ्री है, चिप्स के पैकेट में भर दो, आराम से चिप्स खाओ साल भर तक, कोई टेंशन ही नहीं है, है ना। तो ऑक्सीजन रिएक्ट करती है तो खाने का फूड टेस्ट चेंज हो जाता है, तो उसके यूज़ हम और कर लेंगे, हवा में से ऑक्सीजन निकाल देंगे, नाइट्रोजन एज अ प्रिजर्वेटिव, है ना, परिरक्षक, फूड प्रिजर्वेटिव, खाद्य परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त तो हो जाती है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। तो बच्चे नाइट्रोजन जो है वो कौन कौन से ऑक्साइड्स बनाती, तो हम कहेंगे मैक्सिमम 5 और डाइमराइज हो गया तो 6 ऑक्साइड बनाती है, लाइक N2O नाइट्रस ऑक्साइड, देन NO नाइट्रिक ऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, N2O4 डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, N2O3 डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, और एक क्या छोड़िए N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, ठीक है। तो हम कहेंगे भाई चलो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को पढ़ लेते हैं। तो भाई नाइट्रोजन टोटल 6 ऑक्साइड्स बना रही है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड मतलब N2O, इसको नाइट्रस ऑक्साइड बोलेंगे, लाफिंग गैस भी बोलेंगे, अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड मतलब NO, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, तो बच्चे डाई नाइट्रोजन मतलब N2, डाई नाइट्रोजन N2, ट्राई ऑक्साइड O3, देन नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड NO2, देन डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, तो डाई नाइट्रोजन मतलब N2, टेट्रा ऑक्साइड मतलब O4, देन डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, तो डाई नाइट्रोजन N2 पेंटा ऑक्साइड O5, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। टोटल 6 ऑक्साइड जो है बच्चे वो नाइट्रोजन बनाएगा, ठीक है। अब वन बाय वन सारे ऑक्साइड को डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट्स, पहला ऑक्साइड मेरे पास है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। अब डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड बोलिए मतलब नाइट्रोजन 2 है ना, तो तुम चाहो तो इसको नाइट्रस ऑक्साइड बोलो, ठीक है। तो भाई या तो तुम इसको नाइट्रस ऑक्साइड बोलो, है ना, या फिर इसको लाफिंग गैस, ठीक है, जिसको सूंघते ही हंसी आने लगती, बहुत सारी फिल्मों में भी देखा होगा, है ना। तो लाफिंग गैस की तरह इसको यूज किया जा सकता है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। तो हम वन बाय वन इसके पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं कि भाई इसका फॉर्मूला क्या है। तो बच्चे नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड तो हम कहेंगे N2O। अब बच्चे इसमें सबसे पहले आपको बताना है इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, है ना, यहां पे नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, ठीक है। N2O में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, ठीक है। तो बच्चे ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकालना सीखा ही था, क्लास 11th में सीख लिया था, है ना। दो नाइट्रोजन है तो 2x मान लेती हूँ, एक ऑक्सीजन है -2, ऑक्साइड है ना, ऑक्साइड में ऑक्सीजन -2 होता है, ठीक है। तो 2x बराबर 2 और x बराबर कितना हो जाएगा, तो मैं कहूंगी 1, ठीक है। तो नाइट्रस ऑक्साइड में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट तो तुम बताओगे 1। अब बनेगा कैसे, प्रिपरेशन मेथड भी बता दो, है ना, नाइट्रस ऑक्साइड को बनाने की विधि। तो बच्चे आपको याद रखना है कि भाई अमोनियम नाइट्रेट को गर्म कर दो, है ना, अमोनियम नाइट्रेट को गर्म कर दो, अपने आप बन जाएगा, ठीक है। भाई चेक कर लेते हैं, अमोनियम कह रहा है तो अमोनियम तो NH4 होता है, बोलो अमोनियम क्या होता है, NH4, नाइट्रेट क्या होता है, NO3। तो अमोनियम नाइट्रेट को गर्म कर दो, NH4 NO3 को गर्म कर दो, अब बताओ कितने जल के अणु उड़ाओगे, है ना, दो जल के अणु उड़ा दे क्या, देखो
चार हाइड्रोजन है, दो ऑक्सीजन तो तैयार है, तो हमने कि दो तो जल के अणु उड़ गए, पीछे क्या बचा, गिन लो पीछे क्या है, N, N, O। तो अगर तुमसे कहे कि नाइट्रस ऑक्साइड बनाओ तो रिएक्शन नहीं रटनी है, नाइट्रस ऑक्साइड बनाओ तो दिमाग में इतना तो रखो कि हाँ अमोनियम नाइट्रेट को गर्म कर दो। अब इतना भी नहीं याद रखोगे फिर तो हो गया भाई, मुझे कोई कह दे कि ना अच्छा ऐसा करो चाय बनाओ। दो चार दिन पहले YouTube पे कोई लेक्चर डाला था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो उसमें कमेंट है आपको पढ़ाना तो आता नहीं है, क्या पढ़ा है, इतना बोगस पढ़ा है, ऐसा करो घर जाके खाना बनाओ। मैंने कहा हाँ खाना बनाओ तो खाना बनाओ तो मुझे पता तो होना चाहिए, है ना। तो मान लो मुझे कोई कह रहे कि आज बच्चे कह रहे हैं कि मम्मा ऐसा करो कि है ना कुछ मत बनाओ तो सिंपल बना दो, आप तो सिर्फ चावल ही बना दो, तो मुझे पता तो होना चाहिए चावल बनाने के लिए मुझे इंग्रेडिएंट क्या चाहिए। तो फिर नाइट्रस ऑक्साइड बनाना है तो तुम्हें पता होना चाहिए ना लायकों कि अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करना है, समझे मेरी बात, ठीक है। तो अमोनियम नाइट्रेट को गर्म कर दो, तो बच्चे अमोनियम नाइट्रेट को गर्म कर देंगे तो दो वाटर निकल जाएगा, पीछे क्या बचेगा तुम खुद देख लो। तो हम कहेंगे अच्छा भाई दो वाटर निकाल दें तो पीछे बचेगा N2O, ठीक है। तो ये ले लो N2O प्लस दो वाटर, ठीक है। तो ओके, तो N2O नाइट्रस ऑक्साइड बनाते ही बंद करना पड़ता है ऐसे ना, ऐसे नहीं खुद नहीं बनाई खुद नहीं सूंघ ली खुद ही पागलों की तरह हंसते रह गए, है ना, लाफिंग गैस बोलते हैं इसको, ध्यान रखेंगे। तो देखो पॉइंट बाय पॉइंट याद करेंगे, पहला ऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड फॉर्मूला क्या है, देन बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, देन इसको प्रिपरेशन कैसे करना है। अब बच्चों देखो नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है, नॉन मेटल अधातु का जो ऑक्साइड होता है ना, वो बाय नेचर एसिडिक होता है, मतलब मैं तुम्हें कहूँ SO2 SO3 फॉस्फोरस का ऑक्साइड है ना, तो मोस्टली वो एसिडिक, वो तो सारा एसिडिक ही है, ठीक है। धातु का जो ऑक्साइड है सोडियम ऑक्साइड पोटेशियम ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड, वो क्या होते हैं, तो हम कहेंगे वो क्षारीय होते हैं, कुछ बीच में एम्फोटेरिक आते हैं, लेकिन न्यूट्रल ऑक्साइड तुम्हारे पास बहुत कम है, ठीक है। अगर तुमसे पूछे कि उदासीन ऑक्साइड बताओ तो तीन ही है हमारे पास, CONO N2, उदासीन ऑक्साइड बताओ, कॉम्पिटिशन में पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है, उदासीन ऑक्साइड बताओ तो तुम्हें बताना है कोनो नहीं, को सीओ नो एनओ नहीं N2O। तो फिलहाल मेरे पास क्या है, तो फिलहाल मेरे पास N2O है नाइट्रस ऑक्साइड, तो मैं कहूंगी भाई ये न्यूट्रल ऑक्साइड है, और नाइट्रस ऑक्साइड भाई कैरेक्टर लिख देती हूँ मैं 4, तो मैं कहूंगी ये उदासीन गैस है, उदासीन ऑक्साइड है और कलर भी नहीं है, तो रंग नहीं है इसलिए उदासीन है, तो रंगहीन और उदासीन गैस, पानी में मिक्स भी हो जाती है तो कोई एसिडिटी बेसिसिटी कुछ भी नहीं करती है ना, और गैस है, ठीक है। तो यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आता है कि अच्छा ठीक है आप ऐसा कर लो कि इसकी संरचना बना दो, स्ट्रक्चर तो बनाओ नाइट्रस ऑक्साइड का स्ट्रक्चर, ठीक है भाई। तो अब हम नाइट्रस ऑक्साइड का स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो देखो N2O, तो या तो ऐसा मानो N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है ना, और इस नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर इस ऑक्सीजन को डोनेट किया, इसके तो दो पड़े है ना, इस नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन युग्म इसको दान किया, इसके पास भी क्या है एक लोन पेयर है, और ये रेजोनेंस में रहता है, तो फिर ऐसा भी बना सकते हैं N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड, ठीक है। अगर ये इसके साथ डबल बॉन्ड बना लेता है, इसके साथ भी डबल बॉन्ड बना लेता है, तो ये इस तरह से ये नाइट्रोजन नेगेटिव माना जाएगा, ये पॉजिटिव माना जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि बीच वाला नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 है तो उसको प्लस मान लो, और इधर की 2 है तो उसको माइनस मान लो, ऑक्सीजन अपने 2 बॉन्ड बना ही रहा है, ठीक है। तो ये है नाइट्रस ऑक्साइड का स्ट्रक्चर, है ना, NN के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड कोऑर्डिनेट है, हमने इसको सिंपल दिखाया है, या फिर आप ऐसे बना दो, क्लियर। तो हमें इतना नॉलेज हर ऑक्साइड के बारे में होना चाहिए, उसका फॉर्मूला ऑक्सीडेशन स्टेट प्रिपरेशन थोड़े बहुत कैरेक्टर, है ना, भाई गैस है क्या है, तो मोस्टली तो तुम्हें गैस ही मिलेंगे, ठीक है। एक सिर्फ तुम्हें क्या बोलते हैं N2O3, वो भूरे रंग सॉरी ब्लू कलर का सॉलिड है N2O3 डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, वो आपको एक ब्राउन सॉलिड मिलेगा, और NO2 की फ्यूम्स लैब में देखी होंगी, अगर आपने नाइट्रेट का टेस्ट किया है तो गर्म करते तो NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फ्यूम्स निकलती, ब्राउन फ्यूम्स, तो NO2 ब्राउन फ्यूम्स देता है, ठीक है, बाकी आपको मोस्टली कलरलेस ही मिलते हैं, क्लियर। तो ये हो गया आपका पहला नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है भाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, तो बच्चे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बोलो या फिर NO बोलो, और तुम्हें लगेगा इसको तो हम नाइट्रिक ऑक्साइड के नाम से जानते हैं, तो वो भी ठीक है, तो उसको बोलो नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। तो NO बोलो, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बोलो, नाइट्रिक ऑक्साइड बोलो, तो पहला फॉर्मूला लिख लेते हैं, तो बच्चे फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है NO
नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, एक नाइट्रोजन लगाओ एक ऑक्सीजन लगाओ, ठीक है, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था, तो एनओ का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है ना, एनओ, ठीक, तो ऐसा करो नाइट्रोजन को एक्स मान लो, ऑक्सीजन माइनस टू होता है, तो आपको पता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया प्लस टू। थर्ड आपके पास आता है प्रिपरेशन, है ना, बनाने की विधि। तो इसमें तुम्हें ध्यान रखना है कि अगर मुझे बनाना है क्या एनओ, है ना, मुझे क्या बनाना है बच्चों, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाना है, तो मैं क्या करूंगी, सोडियम नाइट्रेट, सॉरी सोडियम नाइट्राइट, नाइट्रेट तो एनओ थ्री होता है, नाइट्राइट एनओ टू होता है, तो मैं सोडियम नाइट्राइट को फेरस सल्फेट के साथ गर्म करूंगी अम्लीय माध्यम में, मतलब H2SO4 की प्रेजेंस में। सोडियम नाइट्राइट को फेरस सल्फेट Fe SO4 के साथ गर्म करना है इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ठीक है। तो आप कह रहे हो भाई सोडियम नाइट्राइट लेना है, ठीक है, सोडियम नाइट्राइट होता है NaNO2 को गर्म करना है फेरस सल्फेट के साथ, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, तो हम कह रहे हैं H2SO4 की प्रेजेंस में, ओके, गर्म कर लेते हैं। अब सोडियम और हाइड्रोजन H2SO4 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, तो हम कहेंगे सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट या सोडियम बाइसल्फेट। इस रिएक्शन में फेरस ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा तो ये बनाएगा फेरिक सल्फेट, FeSO4 है, फेरिक सल्फेट क्या होगा, Fe2SO4 होल थ्राइस, और बच्चों बाकी जो आपके पास NO है, NO2 है, वो कन्वर्ट हो जाएगा NO में, क्योंकि इसको ऑक्सीडाइज करने में ऑक्सीजन यूज हो गए, ठीक है। तो अगर बैलेंस इक्वेशन लिखनी है तो ये है 2 2 3 2 2 3, तो सल्फेट यहाँ मुझे तीन नज़र आ ही रहे हैं, फेरिक में ये Fe2 हो गया, ठीक है, और यहाँ मैं इसको ट्वाइस कर देती हूँ, है ना, तो ओके, ट्वाइस NaHSO4, गड़बड़ तो नहीं हो गई, H2 सल्फेट मुझे यहाँ दो और वहाँ थ्री, ठीक है, अच्छा दो फेरस सल्फेट में भी है ना, ओके, है ना, और बाकी क्या बचेगा, तो बाकी आप देखेंगे NO, तो NO कितना बचा, अच्छा NO तो ट्वाइस है, तो ये ट्वाइस, ठीक है, तो 2 2 3 बैलेंस हो जाएगा। तुम्हें देखना है भी फेरस फेरिक में कन्वर्ट हुआ या ट्वाइस है, तो ये तो दो ही ले लेता हूँ, ठीक है, और सल्फेट या मुझे तीन चाहिए तो इसके आगे तीन करो, बाकी अपने यहाँ बैलेंस हो जाएगी, है ना, सोडियम दो है तो सोडियम बाइसल्फेट बन जाए, सिर्फ इसको काउंट करना है NO कितने बनेंगे। तो ये हो गया फॉर्मूला, ये हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये हो गया बनाने की विधि। फिर प्रॉपर्टी बताई थी मैंने तुम्हें, है ना, गुण, फोर्थ पॉइंट है ना, प्रॉपर्टी कैरेक्टर बताओ, तो देखो भाई NO नाइट्रिक ऑक्साइड, ये भी आपकी कलरलेस गैस है, और उदासीन को नो CONO, और नहीं तो N2O तो हमने पहले पढ़ लिया, तो भाई ये भी क्या है, तो ये आपकी उदासीन गैस है और रंगहीन गैस है, ठीक है, कलर भी नहीं है और न्यूट्रल है, उदासीन और रंगहीन गैस, ठीक है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड क्लियर समझ में आ रहा है ना, फॉर्मूला हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, प्रिपरेशन में याद रखेंगे सोडियम नाइट्राइट को गर्म करेंगे फेरस सल्फेट के साथ में, ठीक है। अब आता है इसका स्ट्रक्चर बना लो, तो इसके स्ट्रक्चर में है ही क्या जो हम बनाए, एनओ है, अगर मैं तुम्हें कहूँ एनओ का स्ट्रक्चर बनाओ तो बना ही क्या लोगे, एन डबल बॉन्ड ओ, ऑक्सीजन के दो लोन पर। अब नाइट्रोजन के पास तो पांच इलेक्ट्रॉन होते, तो तुम कहोगे पांच में से दो तो काम आ गए और ये अकेला ऐसे सिंगल बचा है, तो बच्चे अगर ये अकेला इलेक्ट्रॉन बचता है ना, तो ऐसी स्पीशीज को बोलते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीशीज, विषम इलेक्ट्रॉन युक्त स्पीशीज, समझे क्यों, है ना, भाई ऑक्टेट रूल पढ़ा होगा तुमने, अष्टक का नियम पढ़ा होगा, लुईस कौशल अष्टक का नियम लास्ट ईयर केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, तो केमिकल बॉन्डिंग के चार पॉइंट थे ना, कि भाई रूल के चार पॉइंट थे कि कभी भी दो एटम जो है वो बॉन्ड बनाएंगे, तो बॉन्ड बनाने की वजह क्या है, अपना अष्टक पूरा करना, अब अष्टक पूरा करने के लिए चाहे वो सहसंयोजक बंध बनाए, साझा कर ले, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके आयनिक बंध बनाए, फिर उसमें एक पॉइंट और था कि जब सारे बॉन्ड बॉन्ड बन जाते तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन जो है जिसे हम लोन पेयर कहते हैं, असाजित इलेक्ट्रॉन जिन्होंने साझा नहीं किया है तो बच गए, तो असाजित इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए, तो बच्चा असाजित इलेक्ट्रॉन हमेशा पेयर्ड होना चाहिए,
फिर बचाओगे ना तो ऐसे बचाओगे 2 बज गए 4 बज गए 6 बज गए। तो हम देखते हैं नाइट्रोजन में 1 लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर होते हैं और हैलोजन में 3 लोन पेयर होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो तो यहाँ बचे हुए इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो तुम कहोगे हाँ लोन पेयर तो बचा है लेकिन साथ साथ में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बचा है। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन बचता है, तो ऐसी स्पीशीज का नाम हमने लिखा है बोर्ड पे, क्या लिखा है, विषम इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, है ना, ऑड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीशीज, ठीक है बच्चे। तो ये है आपका ऑड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीशीज और अष्टक नियम का अपवाद। और स्ट्रक्चर बनाओ तो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड ऑक्साइड हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड। आफ्टर दैट है हमारे पास डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। तो बच्चे डाई नाइट्रोजन, यानी मैं लिख देती हूँ उसको डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। अब आपको नाइट्रोजन तो चाहिए 2 और ऑक्सीजन चाहिए 3, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है NO और NO2 को मिला दो, NO और NO2 को मिला दो तो 2 नाइट्रोजन हो जाएंगे, 3 ऑक्सीजन हो जाएंगे। अब बनेगा भी ऐसे ही, चेक करेंगे अभी अपन। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसका फॉर्मूला। तो देखो डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, तो बच्चे इसका फॉर्मूला है N2O3। फिर हमें फाइंड करनी है ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था बताओ, ठीक है भाई। तो देखो 2 नाइट्रोजन को 2x मान लो, ऑक्सीजन -2 मल्टीप्लाई विद 3, है ना बच्चे। तो x बराबर मुझे लग रहा है 3 आ जाएगा, है ना। तो डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 3 है, +3 है। नेक्स्ट बनाओगे कैसे, तो मैंने तुम्हें कहा था कि NO और NO2 को मिला लो, है ना बच्चे। तो NO और NO2 को मिला के गर्म कर दोगे तो बना भी लेगा, ठीक है, है ना। गर्म तो क्या करना है, मतलब माइनस में ही लेना है उसको, टेम्परेचर थोड़ा डाउन करना है। अब देखो NO2 जो है ना NO2, तो अभी तुम आगे पढ़ोगे कि NO2 डाइमराइज हो जाता है बहुत जल्दी और ठंडा होगा तो बिल्कुल ही हो जाएगा, तो N2O4 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, NO2 की जगह N2O4 ले लेती हूँ, बात तो वही है, NO2 द्विलक रूप में मिल रहा है, ठीक है। तो NO और N2O4, ठीक है। अब मुझे 2 नाइट्रोजन पे 3 ऑक्सीजन चाहिए, और अगर ठीक है 2 नाइट्रोजन पे क्या चाहिए 3 ऑक्सीजन चाहिए, और अगर 4 नाइट्रोजन कर दो तो ऑक्सीजन 6 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ आपको दिया हुआ 250 केल्विन, तो बच्चे 250 केल्विन मतलब समझ गए ना, 273 में से कम कर दो, कितना माइनस का 23 हो गया, है ना, माइनस 23 प्लस 273 250 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस के 23 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको इसको लाना है, तो ये बन जाएगा N2O3 डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड N2O3। तो देखो फॉर्मूला लिख दिया, ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दिया, प्रिपरेशन मेथड भी लिख दिया, ठीक है। और अभी मैंने बताया था कि सिर्फ एक ही मिलेगा तुम्हें ब्राउन ब्लू सॉलिड, तो N2O3 का गुण बताओ, ठीक है। देखो नीले रंग से लिखा है ना, तो ये नीला ठोस है, ठीक है, और ये एसिडिक होता है बच्चों, है ना, पानी में जाएगा एसिड बनाएगा, तो नीला अम्लीय ठोस है, ठीक है, ब्लू कलर का सॉलिड है। अब तो मिलेगा अम्लीय क्यों कह रहे हो, थोड़ा रीजन ही समझा दो। तो देखो N2O3 है, पानी में घोलो, तो पानी में घोल देते। अब क्या बनाऊँ उसका, अगर मैं चाहूँ तो इससे HNO3 बना दूँ क्या, तो ठीक है HNO3 बना लेती हूँ। पीछे क्या बचा, देखो NO3 तो मैंने इसमें से निकाल दिया, तो HNO3 हो गया। पीछे क्या बचा, तो मेरे पास N बचा है ना, HNO बचा, ठीक है। और मैं सोचूँ तो ऐसे भी सोच सकती हूँ कि HNO2 और HNO2। देखो 2 नाइट्रस अम्ल ले लो, 2 नाइट्रस अम्ल ले लो। देखो वैसे हमारे कोर्स में तो है नहीं, बट ठीक है थोड़ा पता होना चाहिए, देखो कभी कोई क्वेश्चन फंस जाए ना तो अपन को आइडिया होना चाहिए। नाइट्रस अम्ल, अच्छा ये तो पता है ना, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, HNO2 नाइट्रस अम्ल, ठीक है। तो 2 नाइट्रस अम्ल लेके इसमें से वाटर माइनस कर दो, तो देखो 2 हाइड्रोजन तो गए, नाइट्रोजन 2 बचे और ऑक्सीजन 4 में से 1 गया, तो O3 बचा, तो यही तो आ गया,
है ना। तो एक्चुअली ये पानी में जाएगा N2O3 में, घोलू उसको, तो ये बनाना चाहिए क्या नाइट्रस अम्ल। तो नाइट्रस अम्ल अम्लीय है ना, तो फिर मैंने यही तो लिखा कि इसकी प्रकृति क्या है, इसकी प्रकृति अम्लीय है। और मैं चाहूँ तो मुझे ऐसे भी लिखना चाहिए था कि ये नाइट्रस अम्ल का एनहाइड्राइड है ना। एग्जाम में सवाल पूछ ले कि नाइट्रस अम्ल के एनहाइड्राइड कैसे होगा, क्या होगा, या N2O3 किसका एनहाइड्राइड है। तो एनहाइड्राइड मतलब जल का अणु बाहर निकालो, एनहाइड्राइड मतलब आपके पास एक एसिड है उसमें से वाटर निकालो। अब एक में से वाटर नहीं निकल रहा है तो दो अणु लेके जल का अणु बाहर निकालो, तो बस आपको वाटर बाहर निकालना है, एनहाइड्राइड तैयार। तो हम कहेंगे हाँ नाइट्रस एसिड में से अगर हम वाटर निकालते हैं तो हमें N2O3 मिल जाता है, ठीक है। डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड लिखना था मुझे, है ना, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड N2O3, ठीक है। तो नाइट्रस अम्ल का एनहाइड्राइड भी है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर ही बना लो N2O3 का, तो हम कहेंगे बिल्कुल स्ट्रक्चर बना लेते हैं भैया N2O3। नेक्स्ट कैरेक्टर है इसका संरचना। तो बच्चे N2O3 में N और N के बीच में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो और डबल बॉन्ड, तो यहाँ तो लोन पेयर है, यहाँ लोन पेयर हो ही नहीं सकता क्योंकि लोन पेयर आपका डोनेशन में चला गया, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है बच्चों N2O3, क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब वो कहते हैं कि अनुनादी संरचना ही बना दो, तो अनुनादी बना दो भाई, यहाँ डबल बॉन्ड क्यों बना, यहाँ बना दो, तो वो एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मान लो ये बॉन्ड इधर टूट गया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये इसके साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, तो अनुनाद में करना ही क्या, एटम्स को तो हिलाना नहीं था, बॉन्ड शिफ्ट करना। पाई बॉन्ड आपको पता है द्विबंध या पाई बॉन्ड जो है वो कमजोर होता है, मोबाइल होता है, चलता है ना, शिफ्ट हो जाता है, उसी को घटना को तो क्या बोलते हैं अनुनाद। तो अगर मैं कह दूं भी मान लो ये डबल बॉन्ड ओ पे टूट गया, तो ओ नेगेटिव नाइट्रोजन पॉजिटिव, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, चल मेरे साथ डबल बॉन्ड बना ले, तो इसके साथ डबल बॉन्ड बन जाएगा, वहां कोई दिक्कत है नहीं। तो जहां सिंगल बॉन्ड है वहां तीन लोन पेयर कर देना, और जहां डबल बॉन्ड है वहां दो लोन पेयर कर देना, ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये है तुम्हारे पास N2O3 यानी कि डाई नाइट्रोजन और ट्राई ऑक्साइड। नेक्स्ट है बच्चों नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, ठीक है। तो नेक्स्ट है नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड यानी कि NO2 बोले, है ना, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। तो नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड यानी कि हम इसको बोल देते हैं NO2, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, तो इसको हम बोलेंगे क्या, तो बच्चे इसको हम बोलेंगे NO2, ठीक है। तो तुम्हारा काम क्या था, सबसे पहले ऑक्सीडेशन, सबसे पहले फॉर्मूला लिखना, तो फॉर्मूला लिख दो। तो नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड है तो हम कहेंगे NO2। दूसरा काम था ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, है ना, ऑक्सीकरण अवस्था बताओ, NO2 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था बताओ, ठीक है। तो बच्चे N को तो मान लो X, ऑक्सीजन -2, दो से मल्टीप्लाई कर लो तो X बराबर आएगा 4। तो NO2 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है 4। अब अगर मैं आपसे कहूँ प्रिपरेशन ही बताओ, बनाने की विधि बता दो, NO2 की प्रिपरेशन मेथड बताओ, बनाने की विधि, तो NO2 बनेगा जब आप लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे, ठीक है। NO2 कब बनेगा, जब आप लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे। देखो नाइट्रस ऑक्साइड कब बना था, N2O कब बना था, तो तुम कहोगे जब अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करूंगा, ठीक है। फिर NO कब बना था, तो तुम कहोगे अच्छा NO बनाने के लिए तो मैंने सोडियम नाइट्राइट को गर्म किया था फेरस सल्फेट के साथ H2SO4 की प्रेजेंस में। फिर मैंने कहा N2O3 कब बनेगा, तो N2O3 का NO और NO2 मिलाना था, NO2 N2O4 के फॉर्म में रहता है, तो NO और N2O4 को मिला दिया, ठंडा किया -23 डिग्री के आसपास, है ना, तो बन गया था, ठीक है। अब ये कैसे बनेगा, NO2 गैस कैसे बनेगी, तो भाई लेड नाइट्रेट को गर्म कर दो। जनरली कभी भी नाइट्रेट को गर्म करते हैं ना बच्चे, नाइट्रेट का टेस्ट भी किया होगा लैब में, तो नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो NO2 की ब्राउन फ्यूम्स, भूरे रंग की गैस है ये, है ना, इसके कैरेक्टर में आएगा ब्राउन कलर्ड गैस, ब्राउन फ्यूम्स निकलती है, भूरे रंग की गैस निकलती है। तो ठीक है मैंने इसको गर्म कर दिया लेड नाइट्रेट, तो अब होगा क्या, तो देखो नाइट्रेट को गर्म करूंगी तो NO2 तो उड़ जाएगा,
है ना। और पीबी को गर्म करेंगे बच्चों तो लेड का ऑक्साइड बनेगा, पीबी को गर्म करोगे तो पीबीओ बनेगा, नाइट्रेट को गर्म करोगे तो NO2 बनेगा। ठीक है, अब ऑक्सीजन में इसको ट्वाइस कर देती हूँ तो ये हो जाएगा ट्वाइस पीबीओ, है ना। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कितना हो गया, चार हो गया। ट्वाइस पीबीओ बनेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो आपका फोर बन जाएगा, तो फोर NO2, है ना। तो फोर NO2 क्या है, तो हम कहेंगे नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड है। ठीक है, तो लेड नाइट्रेट को गर्म कर दो, टेम्परेचर याद रहे तो ठीक, 673 केल्विन है NCERT में, याद रहे तो ठीक, नहीं तो आप तो हीट का साइन लगा दो चल जाता है, इतना टेम्परेचर याद होता नहीं है, बहुत ही स्पेसिफिक होता है ना भाई, ताप बदलने से उत्पाद बदलता है, वो तो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ स्पेसिफिक कोई कंडीशन होती है तो आपको याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज चल जाएगा। ठीक है, तो सूत्र हो गया, ऑक्सीकरण अवस्था हो गई और बनाने की विधि भी हो गई। अब हमें क्या लिखना था, हमें कैरेक्टर लिखना था, गुण लिखने थे इसके, तो फोर पॉइंट गुण, तो ये तो हमने पढ़ लिया था, ब्राउन गैस है ना, भूरे रंग की गैस, और पानी में डाल के तुम खुद देखोगे तो तुम्हें नज़र आएगा, अम्ल बनाएगी कुछ ना कुछ तो बनाएगी, NO2 है ना, तो भूरे रंग की गैस है, और बाय नेचर क्या है, तो भी बाय नेचर ये एसिडिक है, अम्लीय प्रकृति की है। ठीक है, अब तुम्हें बनाना है इसका स्ट्रक्चर, NO2 की संरचना बनाओ। तो देखो NO2N डबल बॉन्ड हो, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तीर का निशान, तीर का निशान नहीं भी बनाते हो तो उससे कोई फर्क थोड़ा ना पड़ना है ना। इसने इसको डोनेट किया है ना, तो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 दिखा दो तो वैसे ही पता चल जाएगा कि ये तीर का निशान है। ठीक है, अब देखो नाइट्रोजन ने 2 बॉन्ड तो इधर बना ली, ये पेयर इसको डोनेट कर दिया तो अब 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो बच्चे 1 इलेक्ट्रॉन बचा है तो मैंने आपको अभी बताया था ऑड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीशीज, विषम इलेक्ट्रॉन युक्त स्पीशीज। ठीक है, NO2 क्या है, तो हम कहेंगे भाई ये है ऑड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीशीज, विषम इलेक्ट्रॉन युक्त स्पीशीज, उल्टा भी कर सकते हो, अनुनाद दिखाना है तो ऊपर सिंगल बॉन्ड बना दो। ठीक है, अनुनाद दिखाने के लिए क्या करो, यहाँ अनुनाद दिखा देते हैं इसमें, तो हम क्या करते हैं N यहाँ सिंगल बॉन्ड कर लेते हैं कि भाई इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और इसके साथ क्या है डबल बॉन्ड है और ये इलेक्ट्रॉन पड़ा है। ठीक है, अब ये ऑड इलेक्ट्रॉन है ना, इसी वजह से ये डाइमराइज्ड होता है, द्विलक बनाता है, ये NO2 एक और NO2 आएगा, दोनों के पास सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो सिंगल बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो वो आ जाएगा N2O4। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कोई दिक्कत है क्या, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला NO2, ऑक्सीडेशन स्टेट 4, बनेगा कैसे, तो हम कहेंगे लेड नाइट्रेट को हीट करने पे। ठीक है बच्चे, लेड नाइट्रेट को हीट करने पे क्या बन जाएगा, तो हम कहेंगे NO2 बन जाएगा। ठीक है, और क्या चाहिए हमें, तो हम कहेंगे ब्राउन कलर का गैस है, एसिडिक नेचर का है, और स्ट्रक्चर हमने बना लिया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है नाइट्रोजन पे, अकेला इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, दैट्स वाई ये ऑड इलेक्ट्रॉन, विषम मतलब अकेला, पेयर नहीं बचा, एक इलेक्ट्रॉन बच गया। ठीक है, तो विषम इलेक्ट्रॉन युक्त स्पीशीज है। नेक्स्ट है बच्चों डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, नाम से लग रहा है 2 नाइट्रोजन और 4 ऑक्साइड होने चाहिए। ठीक है, तो डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। ठीक है, तो अब डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, तो बच्चे इसका फॉर्मूला है N2O4, फिर हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लेते हैं, है ना, ऑक्सीकरण अवस्था निकालो, तो N2O4 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था निकालो, तो 2 नाइट्रोजन 2x, ऑक्सीजन -2, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, देखो 1 नाइट्रोजन x, 2 नाइट्रोजन 2x, ऑक्सीजन जो है उसका चार्ज -2 लेते हैं, ऑक्साइड है ना, तो ऑक्साइड में ऑक्सीजन का चार्ज क्या लेते हैं -2, तो मेरे पास -2 और ऑक्सीजन 4 है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4 ही आएगा,
ठीक है। अब प्रिपरेशन बनाने की विधि, तो अभी तो मैंने तुम्हें बताया कि NO2 को डाइमराइज कर दो, है ना बच्चे। अगर मैं क्या करूं, NO2 का द्विलक बना दूं, NO2 को ठंडा ही कर दूं, तो N2O4 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रिपरेशन में NO2 और यहां लिख दो कूल, ठंडा करेंगे तो ये हो जाएगा N2O4 और गर्म करेंगे तो टूट जाएगा। ठीक है, तो NO2 को कूलिंग करा तो N2O4 और N2O4 को हीट करा तो NO2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो जो NO2 का करेक्टर है वही इसका करेक्टर है। ठीक है, थोड़ा सा ये भारी हो जाता है तो हम कहेंगे गुण की बात करें तो NO2 की तो फ्यूम्स थी, NO2 की तो क्या थी, फ्यूम्स थी, ब्राउन कलर की फ्यूम्स थी, है ना। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, NO2 पढ़ा था ना, तो ये ब्राउन कलर की फ्यूम्स थी। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा भारी हो गया है तो ये आपका या तो द्रव होगा या ठोस अवस्था में होगा, गैस नहीं होगा, रंगहीन द्रव या ठोस और अम्लीय तो हो गई, द्विलक है, प्रकृति नहीं बदलेगी, तो इसकी नेचर जो है बच्चे वो अम्लीय प्रकृति मानी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर क्या लिखना है, तो हम कहेंगे नेक्स्ट हमें संरचना बनानी है। कुल मिला के 4 पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट हमेशा हम डिस्कस करते हैं, स्ट्रक्चर, संरचना बनाओ। तो अब तुम्हें N2O4 की संरचना बनानी है। ठीक है, तो देखो तुम्हें NO2 की तो आती थी ना, तुम्हें पता था N डबल बॉन्ड हो और ये उपसह संयोजक बंद है, पता कैसे चलेगा, तो मैंने यहाँ 3 लोन पेयर दिखा दी पहले से, है ना, कि भाई ऑक्सीजन के आइटम कोष 6 होते हैं, देखो 6 के 6 पड़े, तो बंद कैसे बना होगा, तो इस नाइट्रोजन ने पूरे पूरे 2 इलेक्ट्रॉन इसको दान दिए। ठीक है, अभी भी यहाँ नाइट्रोजन के पास तुम्हें पता है 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, तो वो इसके साथ आ जाएगा वापस, डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो जो डबल बॉन्ड बना रहा है उस पर 2 लोन पेयर, और जो उपसह संयोजक बंद बना रहा है, मतलब समझे ना, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम कहेंगे 6, है ना, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना 8, अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, 1s2, तो बाहर कितने बचे, तो हम कहेंगे 2s2 2p4, 6 के 6 बचे। ठीक है, अब 6 के 6 उसको काम में ही नहीं लेना है ना, ये नाइट्रोजन कह रहा है ठीक है मैं तेरे को पेयर डोनेट कर रहा हूँ, तो इसका तो अष्टक पूरा हो गया, तो मैंने यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। ठीक है, अब अनुनादी संरचना बनाओ। तो अनुनादी संरचना क्या कहना चाह रहा है वो, कि ठीक है ऐसा हो सकता था ना, इसके साथ उपसह संयोजक बंध बनाए और इसके साथ क्या करे, डबल बॉन्ड बनाए, तो सेम स्ट्रक्चर बनानी है, सिर्फ पाई बॉन्ड को शिफ्ट करना है, कि भाई इधर के साथ तो क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इधर के साथ डबल बॉन्ड है, सिमिलरली यहाँ इसके साथ डबल बॉन्ड है और ऊपर वाले के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो ये है इसका स्ट्रक्चर। मान लो कुछ नहीं पूछा, ये पूछा N2O4 की अनुनादी संरचनाएं बनाओ, तो तुम्हें लगे संरचना बनाना तो आता है अनुनादी संरचना, तो अनुनादी संरचना में करना ही क्या होता है, डबल बॉन्ड ही तो शिफ्ट करना होता है, बस जहाँ डबल था वहाँ सिंगल कर लो, जहाँ सिंगल था वहाँ डबल कर लो। ठीक है, तो ये है हमारे पास डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। नेक्स्ट है बच्चों N2O5, मतलब कि डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। नाइट्रोजन का लास्ट ऑक्साइड है तुम्हारे पास डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम करेंगे फॉर्मूला लिखेंगे। तो देखो डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला है N2O5। दूसरा काम था ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, तो निकालो जल्दी से ऑक्सीकरण अवस्था और मैच करो। N2O5 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था निकालो जल्दी से, कितनी आई बताओ, बोलो, 2 नाइट्रोजन 2x, ऑक्सीजन अभी सिखाया था -2, 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर लो, तो बच्चे x बराबर आएगा 5। ठीक है, तो फॉर्मूला हो गया N2O5, ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया आपका 5। और अगर आपसे कहा जाए कि ये बनेगा कैसे, प्रिपरेशन, थर्ड पॉइंट क्या था, प्रिपरेशन बनाने की विधि, तो बच्चे आपको कुछ नहीं करना है, आपको नाइट्रिक एसिड, है ना, HNO3 नाइट्रिक अम्ल को फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड, जो कि डबल होता है P4O10 टेट्रा फॉस्फोरस डेका ऑक्साइड, ठीक है, उसके साथ आपको उसको गर्म करना है। तो हम कहेंगे ओके, हमारे पास है HNO3 और हमें लेना है P4O10, ठीक है,
अब ये चार फॉस्फोरस मुझे यहाँ लाने हैं और यहाँ से चार नाइट्रोजन मुझे इधर भेजने हैं, समझे? कुछ खास नहीं है, ये चार नाइट्रोजन मैं इधर भेज दूंगी, ये चार फॉस्फोरस जो है मैं इधर ले आऊँगी, तो P इधर ले आऊँगी तो HNO3 की जगह क्या हो जाएगा? HPO3। बोलो, P अगर मैं इधर ले आऊँगी तो HNO3 की जगह क्या हो जाएगा? HPO3, है ना? और N इधर भेजूंगी तो N4O10, अब तुम्हें पता है ना N4O10 तो होता नहीं है, क्या होता है? N2O5। फॉस्फोरस तो संयोजकता बढ़ा सकता है, ये थोड़ा ना बढ़ाएगा, तो ये हो जाएगा N4O10 मिलेगा, चार नाइट्रोजन देखो यूं के यूं चले जाएंगे, तो N4O10 की जगह हम कहेंगे N2O5, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके कैरेक्टर लिखे, तो भाई ये थोड़े भारी है ना, देखो डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है ना, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, तो थोड़े से N2O4 भी था, तो हम कहेंगे थोड़ा सा इनका क्या हो जाता है, अणु भार बढ़ जाता है, तो ये आपके हो जाएंगे सॉलिड स्टेट। तो भाई ये रंगहीन ठोस होते हैं और बाय नेचर पानी में डाल के आपको सिखाया था, चेक करेंगे तो सब के सब क्या है? अम्लीय प्रकृति के हैं, ठीक है? तो रंगहीन ठोस और अम्लीय प्रकृति। नेक्स्ट क्या पढ़ा था हमने? स्ट्रक्चर, संरचना बना लो। तो संरचना किसकी बनानी है तुम्हें? दो नाइट्रोजन है और पांच ऑक्साइड है, तो देखो चार वाली तो आती थी, दो नाइट्रोजन थे चार ऑक्सीजन थे तब तो बनाया था, अब तो लेगा एक ऑक्सीजन कहाँ शिफ्ट करूँ, तो एक ऑक्सीजन इन दोनों के बीच में डालो भाई, एन और एन के बीच में, और तो जगह ही नहीं बची, तो एन और एन के बीच में ऑक्सीजन डालो, डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, अगेन डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है? अब चेक कर लो, सेम स्ट्रक्चर है पीछे वाला और ये, बस फर्क कितना है? तो फर्क एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा लाना है ना, तो एक ऑक्सीजन हमने बीच में लगा दिया, ठीक है? अब वो कहेगी नहीं आप तो ऐसा करो अनुनादी संरचना बना दो, तो बना दो भाई अनुनादी संरचना बनाए, तो आपको पता है डबल वाला सिंगल कर दो और सिंगल वाला डबल कर दो, है ना? ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा, नेगेटिव पॉजिटिव ये डबल बॉन्ड बना लेगा, तो इन शॉर्ट जहाँ डबल था वहाँ सिंगल बॉन्ड कर लो, और जहाँ सिंगल है वहाँ डबल कर लो, ठीक है? डबल बॉन्ड में दो लोन पेयर है, सिंगल वाले में उपसंयोजक बंद है तो तीन लोन पेयर है। अब इसकी खास बात है कि ये सारे एटम देखो, एक नाइट्रोजन एक बॉल दूसरी बॉल, बीच में एक बॉल और, फिर इधर ऑक्सीजन और इधर ऑक्सीजन, सब के सब एक ही तल में है, तो भाई तुम्हें ध्यान रखना है समतलीय अणु है, कंपटीशन पूछ ले, कोप्लेनर, सब के सब एटम क्या है? एक ही प्लेन में है। तुम्हारे पास है ना टोटल मान लो सात बॉले हैं, N2O5, दो नाइट्रोजन पांच ऑक्सीजन, तो एक नाइट्रोजन दूसरा नाइट्रोजन, बीच में ऑक्सीजन, तो एक लाइन होगी, फिर यहाँ टेढ़े में ऑक्सीजन लगाया इसी तल में, तल सेम होना चाहिए, ठीक है? और इधर भी ऑक्सीजन लगाया वो भी एक सेम प्लेन में, तो सब के सब क्या है? तो एक ही प्लेन में है, इसलिए इसकी ज्योमेट्री क्या है? तो हम कहेंगे ये आपका समतलीय है। इससे पहले जो N2O4 पढ़ा था ना वो भी समतलीय था, है ना? ये भी ध्यान रखना, ये भी क्या है? कोप्लेनर है, समतलीय है N2O4। और अगर N2O3 पढ़ा था, है ना, N2O3, ये भी क्या है? समतलीय है, सब के सब एक ही प्लेन में होते हैं, ठीक है? तो अब नाइट्रोजन के छह ऑक्साइड तुम्हारे क्लियर है, है ना? कोई कहे पांच ऑक्साइड, तो पांच भी ठीक है, क्योंकि वो ये नहीं मान रहा कि भाई NO2 जो है आपका, वो NO2 क्या है, तो वो NO2 द्विलक फॉर्म में है, तो वो N2O4 बना रहा है, तो वो उसको एक ही कंसिडर करता है, तो उससे कोई फर्क पड़ना नहीं है, ठीक है? तो यहाँ कंप्लीट है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। अब हम चालू कर लेते, चलो नया टॉपिक आज ही, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल, ठीक है? तो बेटा नाइट्रिक अम्ल जो है इसका फॉर्मूला है HNO3, क्लियर? नाइट्रिक एसिड फॉर्मूला क्या है? तो तुम कहोगे इसका फॉर्मूला है HNO3। अब स्ट्रक्चर ही बना दो, तो नाइट्रिक अम्ल की संरचना बनाए HNO3 तो HNO3 में नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ तो डबल बॉन्ड बनाएगा, एक को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा, NO2 बनाया था ना, और बाकी यहाँ लगाना है एक इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे, तो ये है OH,
तो ये है नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर, वो वाला बॉन्ड कोऑर्डिनेट है, उपसह संयोजक बॉन्ड है, ठीक है। अब अगर मैं एंगल की बात करूँ, देखो हालांकि एंगल वगैरह याद रहते नहीं है, ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि नहीं आप तो एंगल ही बताओ, तो देखो ये एक प्लेन में है नहीं एक्चुअली, ये ओ और ये ऐसे है ना, तो भाई ये जो एंगल है आपका ये 102 डिग्री है और ये इधर वाला एंगल जो है ये 130 डिग्री है, ठीक है, याद रहे तो ठीक है, अदरवाइज कभी ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, इतना रटा हुआ होता नहीं है, ठीक है। तो 102 है और 130 डिग्री है, ठीक है, और बॉन्ड लेंथ वहाँ वाली 121 है, ठीक है, ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है आपकी ये 121 पिकोमीटर है, अनुनाद में होती है तो दोनों सेम ही रहेगी, ठीक है। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ ये है आई थिंक लगभग है, चेक कर लेंगे आप बुक में से, 96 पिकोमीटर के अराउंड, ओके। अब कोई बॉन्ड लेंथ छोटी है, 96 हो गई, 121 हो गई और एंगल हो गए, और एक लेंथ और थी 140 पिकोमीटर के आसपास, नियर अबाउट, ठीक है, 140 पॉइंट समथिंग है, 140 पिकोमीटर। ये आपके नाइट्रिक अम्ल का क्या है, स्ट्रक्चर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, HNO3, और आपको लगे इतना तो याद नहीं रहेगा तो छोड़ो, तुम सिर्फ ये बना लेना एंड डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, है ना, और ये O और ये H, बस नक्की, ठीक है, यहाँ पे दो लोन पेयर, ये आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा विद टू लोन पेयर, ठीक है। नाइट्रिक एसिड के स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं, अब आएगा नाइट्रिक अम्ल बनाओ लैब में चाहिए, तो नाइट्रिक एसिड लैब में चाहिए, चलो प्रयोगशाला भी थी, तो प्रयोगशाला में आपको क्या कह रहा है, आप सोडियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट को H2SO4 के साथ कांच के रिटॉर्ट में गर्म कर दो, ठीक है, तो ओके गर्म ही तो करना है, सोडियम नाइट्रेट को H2SO4 के साथ बोल ही रहा है ये, तो ले लो सोडियम नाइट्रेट और H2SO4, ठीक है, सोडियम सल्फेट बन जाएगा, ट्वाइस कर देती हूँ, गर्म करना है ना, तो हीट का साइन लगा दो, तो क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट Na2SO4, और आपके पास दो नाइट्रेट है और दो हाइड्रोजन है, तो ये बनेगा ट्वाइस HNO3, ठीक है। तो नाइट्रिक अम्ल बनाओ, या प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल कैसे बनाएंगे, तो आपको याद रखना है, ये तो याद करना पड़ेगा, सोडियम नाइट्रेट को H2SO4 के साथ गर्म करने पे प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल कैसे बनेगा, तो आप कहेंगे सोडियम नाइट्रेट को H2SO4 के साथ गर्म कर दो। मान लो लैब में ख़त्म हो गया प्रैक्टिकल करते करते नाइट्रिक एसिड, तो ठीक है थोड़ा बहुत ही चाहिए, बहुत बड़े लेवल पे तो नहीं बनाते, तो ठीक है सोडियम नाइट्रेट में H2SO4 मिला लो, आपके पास तैयार हो जाएगा नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है। अब बच्चे इंडस्ट्रियल लेवल पे, मतलब नाइट्रिक एसिड तो पता है लैब में फिर हम कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे भी कैसे, तो अगर मैं व्यापारिक स्तर पे बोलूँ बड़े लेवल पे, तो नाइट्रिक एसिड हमें काफ़ी चाहिए, है ना, बहुत मतलब जरीकन भर भर के आते हैं, आपने देखा होगा बड़े बड़े कंटेनर आते हैं लैब के अंदर, क्योंकि फिर कोई एक्सपेरिमेंट होता नहीं है, नाइट्रिक एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड है, तो नाइट्रिक एसिड को इंडस्ट्रियल लेवल पे व्यापारिक स्तर पे बनाते हैं ओस्टवाल्ड मेथड से, ओस्टवाल्ड विधि, अब ये इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे, ओस्टवाल्ड विधि मतलब सस्ता जुगाड़ लगाओ, तो ये कह रहा है सस्ता जुगाड़, ऐसा करो अमोनिया का ऑक्सीडेशन कर दो, ठीक है, अमोनिया को ऑक्सीजन के साथ गर्म कर दो, प्लैटिनम या रोडियम की जाली पे गॉज मिलेगा, गॉज मतलब जाली, ठीक है। अभिक्रिया याद रखनी, 4 अमोनिया 5 ऑक्सीजन, 4NH3 5O2, आंसर पहला है NO, चलो देखते हैं हमारे पास क्या है, तो इंडस्ट्रियल मेथड ओस्टवाल्ड विधि है ना, तो व्यापारिक उत्पादन करना है नाइट्रिक एसिड का, तो भाई अमोनिया का वायुमंडलीय ऑक्सीजन द्वारा उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण, अमोनिया को ऑक्सीडाइज कर दो, ठीक है। तो बच्चे हम क्या करेंगे, अमोनिया को गर्म कर देंगे ऑक्सीजन के साथ, कहा था मैंने 4 अमोनिया 5 ऑक्सीजन प्लैटिनम या रोडियम की जाली पे, गौज लिख रही हूँ, गौज मतलब जाली ही है, ठीक है, उत्प्रेरक का काम करेगा प्लैटिनम या रोडियम। अब 4 अमोनिया 5 ऑक्सीजन क्यों लिया, तो पहले तो तुम वाटर निकाल दो जितने भी हैं, तो आई थिंक कितने हैं, 12 हाइड्रोजन है, तो हम कहेंगे 6 तो जल के अणु उड़ गए, है ना बच्चे, 12 हाइड्रोजन है तो 6 जल के अणु जो है वो गायब हो जाएंगे, ठीक है। और क्या बचा, तो तुम्हारे पास बचा है 6 ऑक्सीजन तो गए, पीछे कितने बचे 4, तो 4 NO, तो हमारे पास बचा है
एनओ, नाइट्रिक ऑक्साइड। अब जैसे ही एनओ बनेगा तो ओटू तो हमने सप्लाई करा हुआ ही है ना, ठीक है। तो भाई ये जो एनओ है ये फिर से ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये बना लेगा एनओ टू, ठीक है। तो भाई ये ऑक्सीजन एनओ जो है वो फिर से ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये बनाएगा एनओ टू। ठीक है, ये एनओ ऑक्सीडाइज हो जाएगा बच्चों और ये बना लेगा आपका एनओ टू, ठीक है। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। अब इस एनओ टू को हम क्या करेंगे, पानी में मिक्स करने वाले हैं, ठीक है। तो एनओ टू प्लस वाटर है ना, एक एनओ टू और ले लेती हूँ। देखो तो मुझे लग रहा है ये तो एच एनओ थ्री बनने को तैयार है। दो वाटर ले लेते हैं, आप चेक करो क्या बन रहा है ना, तो आप देखेंगे। ठीक है, तो अब चेक करो आपने क्या किया, पहले अमोनिया को हीट किया है ना और आपने बना लिया ये, ठीक है। अमोनिया प्लस क्या बन गया, एनओ, एनओ फिर से ऑक्सीडाइज हो गया एनओ टू। फिर देखो तो हम कहेंगे ये बन गया हमारा एनओ टू और ओ, ये बन गया एच एन ओ थ्री, ठीक है। एक तो बन गया हमारे पास नाइट्रिक एसिड यानी कि एच एन ओ थ्री, और क्या बन सकता है, तो एच एन ओ थ्री एक ऑक्सीजन में इधर और ट्रांस, ठीक है, ये हाइड्रोजन इधर ट्रांसफर कर देती हूँ, ये तो बन गया एच एन ओ थ्री। देखो ये तो बन गया एनओ टू और ओ क्या हो गया एनओ थ्री, और एच मिला दो तो एच एन ओ थ्री, ये बन रहा है एच एन ओ टू, तो यहाँ से ऑक्सीजन ट्रांसफर कर देती हूँ इसको, ठीक है। तो ये भी बन जाएगा एच एन ओ थ्री और ये एनओ रह जाएगा, तकलीफ क्या है। तो दो नाइट्रिक एसिड प्लस एनओ, समझ में आया कि नहीं आया। देखो एनओ टू था, एनओ टू को एक पानी का मॉलिक्यूल दे दिया, तो तुम कहोगे ये तो एच एन ओ थ्री हो गया नक्की। अब एनओ टू है तो तुम कहोगे एच एन ओ टू बना, तो NO2 और ले लो और ये इसको ऑक्सीजन ट्रांसफर कर देगा, तो NO2 को इसने ऑक्सीजन ट्रांसफर किया NO3 और H ले लिया, तो HNO3 बन गया ना, और पीछे क्या रहा HNO, पीछे क्या रहा NO, तो NO बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ओस्टवाल्ड मेथड है ना, ओस्टवाल्ड विधि, ओस्टवाल्ड वैज्ञानिक था, क्या बता रहा है, अमोनिया का ऑक्सीडेशन कर दो प्लैटिनम या रोडियम की प्रेजेंस में, तो अमोनिया बनाएगा एनओ, एनओ फिर से वायुमंडलीय ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, ये बनाएगा एनओ टू। एनओ टू तुम तो सीधा पास कर दो, एनओ टू पास करते जाओ करते जाओ, अपने आप क्या बन जाएगा नाइट्रिक एसिड। साथ में हम देखेंगे एनओ की फ्यूम्स जो है, नाइट्रिक ऑक्साइड की फ्यूम्स जो है ये आपकी बाहर निकल जाएगी, तो इस एनओ को हम फिर से काम में ले लेंगे। देखो हमारे पास तो शुरू में एनओ ही बना था ना, फिर से ऑक्सीडाइज हो जाएगा एनओ टू, फिर पानी में पास कर दो एच एन ओ थ्री, फिर बनेगा, तो फिर तो यह एनओ जो है ये बार बार रिसाइकल होती रहेगी, ठीक है। यह एनओ पुनः चक्रित की जा सकती है, फिर से हम इसको क्या कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, पुनः चक्रित की जा सकती है, ठीक है। तो ये एक और मेथड है नाइट्रिक अम्ल बनाने का। अब देखो नाइट्रिक अम्ल, तो हम कहेंगे नाइट्रिक अम्ल प्रबल अम्ल है, पता ही है हमें, ठीक है। तथा हाइड्रोनियम आयन, अगर मैं इसको पानी में घोल दूं, अगर मैं कहूं नाइट्रिक अम्ल को, नाइट्रिक अम्ल का जलीय विलयन, तो बच्चे प्रबल अम्ल है, प्रोटॉन छोड़ेगा, तो ये बनाएगा नाइट्रेट एनओ थ्री माइनस, और जलीय विलयन में है ना, तो नाइट्रेट आयन एक्वस, और ये जो प्रोटॉन छोड़ेगा, तो तुम्हें पता है अकेला प्रोटॉन तो जिंदा ही नहीं रहता, H+ तो होता ही नहीं, वो हमेशा जल के साथ जुड़ के H3O+ बनाता है। तो भाई ये बनाएगा बच्चों नाइट्रेट आयन प्लस क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे प्लस है हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। अब लैब में जो नाइट्रिक एसिड हमने बनाया है ना, प्रयोगशाला में कितना भी हम ट्राई करें, तो प्रयोगशाला में प्राप्त नाइट्रिक अम्ल, ऐसा आपने क्वेश्चन सॉल्यूशन वाले चैप्टर में भी किया था, नाइट्रिक अम्ल 68% बाय मास होता है ना, ये जनरल नॉलेज है, आपको पता होना चाहिए कि लैब में जो नाइट्रिक एसिड यूज करो ना, 100% लैब में नहीं देते,
बहुत खतरनाक पड़ते हैं एसिड, ठीक है। तो 68% नाइट्रिक एसिड होता है बाय मास, और इसका अगर डेंसिटी भी पता हो, ऐसा क्वेश्चन हमने किया है विलियन वाले चैप्टर में, उसमें ये डेटा था हमारे पास। तो प्रयोगशाला में प्राप्त जो नाइट्रिक अम्ल है या यूज जो नाइट्रिक एसिड है वो 68% बाय मास होता है और उसका डेंसिटी 1.504 होता है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब रिएक्शंस पढ़ते हैं। तो देखो, नाइट्रिक अम्ल जो है वो किसी को नहीं छोड़ेगा, ठीक है। कुछ गोल्ड है, प्लैटिनम है, इनसे तो चलो रिएक्शन होती नहीं है। कुछ मेटल ऐसे है लाइक एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो हम कहेंगे क्यों भाई, धातु है तो एल्यूमिनियम अपन लाते ना, प्रेशर कुकर ले आते हैं या एल्यूमिनियम की कोई ज्वेलरी ले आते हैं या एल्यूमिनियम का कोई भी सामान ले आते हैं, तो एल्यूमिनियम आपने देखा है बच्चे, एल्यूमिनियम कलर ही चेंज, मतलब कलर यानी चमकता ही नहीं है, क्योंकि वो जैसे ही हवा में रखते हैं थोड़े दिन, है ना, तो वो अपनी उसकी चमक खत्म हो जाती है। मतलब वो अपनी सरफेस पे ऑक्साइड की क्या कर लेता है, परत बना लेता है। तो जनरली एल्यूमिनियम हो, क्रोमियम हो, नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन नहीं करते, ठीक है। सिल्वर गोल्ड को छोड़ दें, सिल्वर तो रिएक्ट करता ही है खैर, लेकिन अगर मैं गोल्ड है, प्लैटिनम है, उनको छोड़ दूँ तो काफ़ी मेटल रिएक्ट करते हैं। और डिपेंड करता है कि आप सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करा रहे हो कि तनु नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करा रहे हो, क्योंकि सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराओगे तो वो लोग NO2 गैस छोड़ते, और तनु नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराओगे तो वो NO गैस छोड़ते। तो एग्जाम में आ जाए, अच्छा ऐसा करो कॉपर प्लस नाइट्रिक एसिड, तो कॉपर तो कम रिएक्टिव है, नाइट्रिक एसिड में से हाइड्रोजन बाहर निकालना उसके बस का नहीं है, लेकिन नाइट्रिक एसिड प्रबल ऑक्सीकारक है, तो नाइट्रिक अम्ल कॉपर को ऑक्सीडाइज कर देगा तो कॉपर नाइट्रेट बनेगा। तो तनु से भी कॉपर नाइट्रेट बनेगा, सांद्र से भी कॉपर नाइट्रेट बनेगा, तो फर्क क्या है? तो फर्क है कि तनु में NO गैस बाहर निकलेगी, सांद्र में NO2 गैस बाहर निकलेगी। सिमिलरली सिल्वर में, तो सिल्वर नाइट्रेट बनेगा लेकिन सांद्र में NO2 गैस बाहर निकलनी है, तनु में NO गैस बाहर निकलनी। और अगर मैं कहूँगी जिंक में, तो जिंक नाइट्रेट बनेगा लेकिन सांद्र में तो NO2 ही बाहर आएगी बट तनु में NO की जगह N2O। तो डिपेंड करता है भाई आपने कंडीशन क्या अप्लाई की है, मेटल की नेचर क्या है, नाइट्रिक एसिड जो है वो डाइल्यूट है कि कंसंट्रेटेड है, तो ये कंपाउंड्स की नेचर है कि वो क्या बनाते हैं। तो नाइट्रेट तो सब बनाएंगे, साथ वाले प्रोडक्ट पे आपको नज़र रखनी है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, नाइट्रिक एसिड की प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। तो देखो नेक्स्ट है ऑक्सीकारक प्रकृति। तो बच्चे ऑक्सीकारक प्रकृति, तो हम कहेंगे सांद्र नाइट्रिक अम्ल जो है वो प्रबल ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है। ये हम गोल्ड और सिल्वर को छोड़ देते हैं, सिल्वर से रिएक्ट करेगा अभी बताऊंगी मैं आपको, ठीक है, उनको ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, लेकिन ज्यादातर मेटल को क्या करेगा, तो भाई ये ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। अब ज्यादातर मेटल को ऑक्सीडाइज करेगा उनमें से, तो हम कहेंगे उनमें से देख लो प्रोडक्ट जो है ना, सोने और चांदी की जगह में लिख देती हूँ प्लैटिनम। सिल्वर से तो रिएक्ट करता ही है, तो सोने और प्लैटिनम को नहीं रिएक्ट करेगा, बाकी सबको रिएक्ट करेगा, ठीक है। और प्रोडक्ट जो है वो डिपेंड करता है सांद्रता पे, मतलब आपने तनु लिया है कि सांद्र लिया, टेम्परेचर पे, और ऑक्सीडाइज होने वाले पदार्थ पे कि भाई ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, ठीक है। लाइक अच्छा एक क्वेश्चन और कर लेते पहले, फिर अपन रिएक्शंस पढ़ते। तो देखो क्रोमियम और एल्यूमिनियम सांद्र HNO3 द्वारा ऑक्सीडाइज नहीं होते, तो हम कहेंगे देखो एल्यूमिनियम जो है वो वायुमंडलीय ऑक्सीजन को पकड़ लेता है पहले, तो है ना, एल्यूमिनियम का प्रेशर कुकर ले लो, कोई बर्तन ले लो, एसिड डालोगे तो असर ही नहीं होता है। एल्यूमिनियम वायुमंडलीय ऑक्सीजन से रिएक्ट करके अपने चारों तरफ क्या करेगा, ऑक्साइड की परत बना लेता है ना। अब एल्यूमिनियम सेम चीज क्रोमियम है, ठीक है, एल्यूमिनियम पूछे तो एल्यूमिनियम लिख देना, क्रोमियम पूछे तो क्रोमियम लिख देना। तो तुम बताओगे एल्यूमिनियम हो चाहे क्रोमियम हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये अपने चारों तरफ क्या करेगा, तो भाई ये ऑक्साइड की लेयर बना लेगा, ठीक है। तो अब ऑक्साइड की परत बना लिया, अब मैं एसिड मिलाऊंगी तो रिएक्शन होगी कैसे। अब मैं मान लो सांद्र HNO3 मिला लूँ, तो एल्यूमिनियम कहाँ मिला इसको, एल्यूमिनियम नाइट्रेट बना लेता पर है कहाँ, ये तो परत है ना, तो हम कहेंगे नो रिएक्शन, अब ये कोई रिएक्शन करता नहीं है, ठीक है। अब हमें पढ़ना है इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऑक्सीकारक प्रकृति, ठीक है, यहाँ ले लेते हैं। ऑक्सीकारक प्रकृति में आपके पास है
धातु से क्रिया हम बाद में पढ़ लेंगे, ब्राउन रिंग टेस्ट हम बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो एक पॉइंट छूट रहा है हमारा, धातुओं से क्रिया, ठीक है। हमने देख लिया था कि प्रोडक्ट जो है वो डिपेंड करता है नाइट्रिक अम्ल की सांद्रता पे, टेम्परेचर पे, और ऑक्सीडाइज्ड होने वाला प्रोडक्ट। तो एग्जाम में देखो सीधा सीधा सवाल क्या बनेगा, एग्जामिनर लिख देगा भाई कॉपर है और सांद्र HNO3 है, आंसर बता दो, ठीक है। या फिर हो गया अच्छा कॉपर है और तनु HNO3 है, तो भी आंसर बता दो, है ना। गर्म तो दोनों में ही करना है। सिल्वर है, सिल्वर से रिएक्शन होती है, हो सकता है NCERT में नहीं दी हुई हो बट रिएक्ट करता है। सिल्वर है, डाइल्यूट HNO3 है, पहले सांद्र लिख देती हूँ फिर तनु लिख देती हूँ, है ना, सांद्र HNO3 है, फिर सिल्वर है और तनु HNO3 है, ठीक है। फिर आपके पास क्या है, तो हम कहेंगे जिंक है, जिंक है और सांद्र HNO3 है, कंसंट्रेटेड लिख दो, कंसंट्रेटेड HNO3, आपको रिएक्शन बतानी है। और फिर जिंक है और तनु डाइल्यूट HNO3 है और आपको वहाँ प्रोडक्ट लिखना है, ठीक है। तो इन सारी अभिक्रियाओं को आपको कंप्लीट करना है। देखो बैलेंस करने का इतना टेंशन नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप क्या करते हैं, प्रोडक्ट सही बनाते हैं, है ना। एग्जाम में टाइम नहीं है बैलेंस करने का, इनऑर्गेनिक की रिएक्शन है, वैसे तो रिडॉक्स मेथड से बैलेंस होती है, बट ठीक है। तो अब देखो कॉपर की अभिक्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल, तो हम कहेंगे कॉपर नाइट्रेट सीधा, तनु नाइट्रिक अम्ल तो भी कॉपर नाइट्रेट, सिल्वर की अभिक्रिया नाइट्रिक एसिड, सांद्र हो तनु हो आंसर सिल्वर नाइट्रेट, इधर भी सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। सिल्वर प्लस वन नाइट्रेट माइनस वन तो AgNO3, लेकिन कॉपर प्लस टू नाइट्रेट माइनस वन तो CuNO3 होल 2। सिमिलरली जिंक की अभिक्रिया, तो बच्चे ये भी जिंक नाइट्रेट और ये भी जिंक नाइट्रेट, ठीक है। तो प्रोडक्ट तो सिंपल ही, याद करने में दिक्कत क्या है। अब सांद्र नाइट्रिक अम्ल होगा तो साइड प्रोडक्ट है NO2, अब पानी बनेगा, लेकिन डाइल्यूट HNO3 होगा तो साइड प्रोडक्ट है NO, वॉटर। सिमिलरली सिल्वर नाइट्रेट बनेगा, सांद्र HNO3 से क्रिया करेंगे तो NO2, और तनु HNO3 से क्रिया करेंगे तो NO, ठीक है। जिंक नाइट्रेट में सांद्र HNO3 है तो NO2 ही बनेगा प्लस वाटर, लेकिन तनु HNO3 है तो यहाँ ध्यान रखना यहाँ नाइट्रस ऑक्साइड बनता है N2O, ठीक है, और वाटर, ठीक है। तो जिंक इतना ज़्यादा उसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है तो नाइट्रस ऑक्साइड बनेगा N2O प्लस क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे वाटर, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना। जिंक खुद तो ऑक्सीडाइज हो गया लेकिन NO2 में उसको नहीं कन्वर्ट कर पाया, किसमें कन्वर्ट कर पाया, N2O, तो डिपेंड करता है ये, ठीक है। तो आपको इतना लिखना है और बैलेंस करनी हो, आपके पास टाइम हो तो आप बैलेंस कर सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन लिखूं कॉपर नाइट्रेट, तो 3 copper 4 nitric acid आंसर जो बनेगा तुम्हारा वो बन जाएगा 3 copper nitrate, ठीक है। और नाइट्रिक एसिड 4 है तो वाटर आपके बन जाएंगे 2, और नाइट्रेट कितने हैं, ठीक है, नाइट्रेट आपके बैलेंस है क्या, 3 और 4 नहीं है, आई थिंक 8 हो जाएगा, डबल कर लो, ठीक है। तो नाइट्रेट वहाँ 6 हो गए और बचे हुए यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 2, अब बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली कॉपर और डाइल्यूट HNO3, तो अगर मैं आपको कहूँ कि कॉपर की अभिक्रिया, एक सेकेंड, 3 और 8 तनु में लिखना है, सांद्र में नहीं लिखना है, बैलेंस तो आप कर लेना बच्चों में, बैलेंस करने का इतना टाइम ही नहीं बैठेगा। 3 8 3 6 हो गए और यहाँ आ जाएगा कितना, 2, ठीक है, और नाइट्रिक एसिड 4 थे ना तो 8 थे तो पानी बन जाएगा 4, ठीक है। सिमिलरली कॉपर और ये तो बन जाएगी आपकी इजीली चेंज हो जाएगी, है ना, कॉपर नाइट्रेट CuNO3 होल 2, ठीक है। यहाँ आप ले लो 4 nitric acid तो कॉपर नाइट्रेट तो बन ही जाएगा, ठीक
कॉपर नाइट्रेट तो बन ही जाएगा, नाइट्रिक एसिड आपके पास चार है तो NO2 दो और वाटर कितना हो जाएगा दो, ठीक है। अब बैलेंस नहीं करते तो चल जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट ये लिखो, क्लियर। तो ये है आपकी नाइट्रिक एसिड, धातुओं की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सांद्र का प्रोडक्ट ध्यान रखेंगे और तनु का ध्यान रखेंगे। सांद्र में साइड में NO2 बाहर आएगा, तनु में साइड में NO बाहर आएगा। सिर्फ जिंक वाला केस है, वहां आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि डाइल्यूट में नाइट्रस एसिड है और कंसेंट्रेटेड में क्या है, तो हम कहेंगे कंसेंट्रेटेड में NO2 है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को, सिंपल है, मेटल से रिएक्शन। नेक्स्ट है कि चलो आपने धातुओं से अभिक्रिया कर ली, एल्यूमिनियम क्रोमियम नहीं रिएक्ट कर रहे, वो क्लियर। नेक्स्ट है अधातुओं से क्रिया। अब यहां भी तुम्हें ध्यान रखनी है बहुत सारी बातें। देखो नाइट्रिक अम्ल प्रबल ऑक्सीकारक है, ठीक है, हमें पता है नाइट्रिक अम्ल प्रबल ऑक्सीकारक। देखो नाइट्रिक एसिड तो क्या है, खुद तो NO बना के उड़ जाएगा, NO2 बना के उड़ जाएगा, तो नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रेट है ना, ऑक्सीकरण अवस्था 5 है। अब तुम कह रहे हो कि NO2 में गया तो 4 में और NO में गया तो 2 में, तो 5 से 4 में जा सकता है, 2 में जा सकता है, मतलब ऑक्सीकरण अवस्था घटा रहा है, और ऑक्सीकरण अवस्था घटा रहा है मतलब खुद का तो इसका अपचयन हो रहा है, तो खुद का अपचयन मतलब सामने वाले का ऑक्सीकरण, ठीक है। तो ये कुल मिला के दूसरों को क्या करेगा, तो भाई ये कुल मिला के दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है, तो दूसरों को ये क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, तो हम कहेंगे ओके, है ना, नाइट्रिक अम्ल प्रबल ऑक्सीकारक है, ठीक है, प्रबल ऑक्सीडेंट है। और कैसे ऑक्सीडाइज करता है हमें बस वो पता होना चाहिए। तो देखो अगर कार्बन है तो ये उसको CO2 में कन्वर्ट कर देगा, क्लियर, कार्बन है तो उसको CO2 में ऑक्सीडाइज कर देगा। अगर आयोडीन है तो भाई उसको HIO3 आयोडिक एसिड में क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। और अगर तुम्हारे पास फॉस्फोरस है तो उसको फॉस्फोरिक एसिड, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, आयोडीन को साथ में नहीं ला पाया, बाकी सबको हाईएस्ट में ले आएगा, फॉस्फोरस को फॉस्फोरिक एसिड में क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। और अगर सल्फर है बच्चों तो सल्फर मान लो S8 है तो उसको सल्फ्यूरिक एसिड में क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। अब इनकी अभिक्रियाएं लिखनी है, मान लो तुम्हें है ना, अब इनकी रिएक्शंस लिखनी है तो मैं कहूँ देखो कार्बन है और सांद्र नाइट्रिक अम्ल है तो कार्बन को किस में ऑक्सीडाइज करेगा, तो हम कहेंगे पढ़ाई था ना C को किस में ऑक्सीडाइज कर रहा है, CO2 में, तो भाई C को CO2 में ऑक्सीडाइज कर लेगा। अब नाइट्रिक एसिड खुद तो हम कहेंगे खुद तो ये NO2 बना लेगा और बाकी क्या करेगा, तो हम कहेंगे बाकी ये वाटर बना लेगा, ठीक है। अभी बैलेंस करें इसको, तो NO3 है, वाटर में 2 है, तो मैं अगर इधर 4 कर दूं तो 2 हो जाएगा, तो 2 तो 4 तो 6 चाहती है 12, ठीक है, ये तो 8 10 और 12 आई थिंक बैलेंस है ना। तो कार्बन सांद्र नाइट्रिक अम्ल से रिएक्ट करेगा तो कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, CO2 प्लस NO2 प्लस वाटर, तो बाकी साइड प्रोडक्ट पता होने चाहिए। सिमिलरली मैं कहूँ कि नहीं आयोडीन, तो भाई आयोडीन प्लस सांद्र HNO3, तो आयोडीन को ऑक्सीडाइज करेगा HIO3 प्लस खुद NO2 गैस बन के उड़ जाएगा प्लस, तो हम कहेंगे प्लस वाटर, ठीक है। सिमिलरली फॉस्फोरस, तो भाई फॉस्फोरस प्लस सांद्र HNO3, तो ये बनाएगा फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, ठीक है, प्लस तो NO2 प्लस वाटर, ठीक है। मेन चीजें आपको प्रोडक्ट पता होने चाहिए। और अगर सल्फर है तो सल्फर प्लस सांद्र HNO3, तो ये बनाएगा H2SO4, ठीक है, प्लस NO2 प्लस वाटर, तो तुम्हें ध्यान होना चाहिए C को CO2 में ऑक्सीडाइज करेगा, I को आयोडिक एसिड, HIO3 को बोलते हैं आयोडिक एसिड। तुम्हें लगे अभी तो नाम पता ही नहीं है तो टेंशन मत करो, ये ब्लॉक बहुत असीम सागर है, बहुत बड़ा है, तो जब हम आई में जाएंगे ना आयोडीन हैलोजन के ऑक्सी एसिड, तो सबके नाम स्ट्रक्चर सब कुछ आ जाएगा, है ना, फॉस्फोरस के भी स्ट्रक्चर कोर्स में
और सल्फ्यूरिक एसिड तो बिल्कुल कोर्स में, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बहुत पढ़ना है इसके अंदर, ठीक है। तो आयोडिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, तो तुम देखो कितना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। न तो उसने धातु को छोड़ा, कॉपर था तो कॉपर नाइट्रेट, सिल्वर था तो सिल्वर नाइट्रेट, जिंक था तो जिंक नाइट्रेट, साइड प्रोडक्ट पता होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली सी है तो सी ओ टू, आई है आई टू है मतलब तो आयोडिक एसिड, फॉस्फोरस है तो फॉस्फोरिक एसिड एच थ्री पी ओ फोर, और सल्फर है तो सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि एच टू एस ओ फोर, ठीक है। तो ये सारा है नाइट्रिक एसिड के करेक्टर। अब एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है बच्चों, ब्राउन रिंग टेस्ट, भूरा वलय परीक्षण, ब्राउन रिंग टेस्ट। अब ये जो टेस्ट है ब्राउन रिंग टेस्ट, ये है फेरस आयन द्वारा नाइट्रेट आयन को अपचयित करना, किसके अंदर, एनओ के अंदर, ठीक है। और ये जो फेरस आयन है जो आपका पानी के अंदर घुला हुआ है ना, तो इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड होता है ये, तो भाई ये क्या करता है, फेरस आयन का जलीय विलयन एनओ से रिएक्ट करके थोड़े से टाइम के लिए एक संकुल बनाता है और वो भूरे रंग की वलय के रूप में होता है। तो ठीक है, आपको टेस्ट ट्यूब के अंदर है ना बिल्कुल एक ब्राउन रिंग दिखती है और इसको हम ब्राउन रिंग टेस्ट बोलते हैं। अब है क्या तो डिस्कस कर लेते हैं, ब्राउन रिंग टेस्ट है क्या। तो देखो करना क्या है, तो तुम्हारे को एग्जामिनर है ना कोई नाइट्रेट का सॉल्ट दे, देखो प्रैक्टिकल है पूरा, है ना। तुम्हें टेस्ट ट्यूब में लेना है नाइट्रेट आयन युक्त लवण, ठीक है। मान लो तुम्हें कॉपर नाइट्रेट दे रखा है एग्जामिनर ने, या जिंक नाइट्रेट दे रखा है, या कैल्शियम नाइट्रेट दे रखा है, तो तुम्हारे पास नाइट्रेट होना चाहिए बस, बाकी साइड में जो भी हो उससे मुझे मतलब नहीं। तो नाइट्रेट युक्त लवण, नाइट्रेट आयन युक्त लवण, नाइट्रेट आयन का सॉल्ट होना चाहिए। अब इसमें तुम्हें मिलाना क्या है, तो भाई अब तुम इसमें मिलाने वाले हो नाइट्रेट आयन हो गया, इसमें मिलाओगे FeSO4 का ताजा बना हुआ विलयन, ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, FeSO4 का ताजा बना हुआ विलयन। टेस्ट बता रही हूँ, प्रैक्टिकल में टेस्ट कैसे करेंगे, है ना, ताजा बना हुआ विलयन, ठीक है। टेस्ट ट्यूब में पहले सॉल्ट ले लेना, नाइट्रेट का सॉल्ट, ताजा बना हुआ FeSO4 मिला देना, ठीक है ना। अब देखो टेस्ट ट्यूब की दीवार के सहारे, है ना, यूं सट बीच में डाल दिया, नहीं, ये जो टेस्ट ट्यूब है ना, यहां से ड्रॉप बाय ड्रॉप धीरे धीरे, तो टेस्ट ट्यूब की दीवार के सहारे तुम लेना क्या, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कंसेंट्रेटेड H2SO4। तो जहाँ ये सब लोग मिलेंगे ना, नाइट्रेट भी होना चाहिए, सल्फ्यूरिक अम्ल भी होना चाहिए, और आपका ये क्या बोलते हैं FeSO4, तीनों, तो वहाँ तुम्हें भूरे रंग की वलेट है, बीच में बनेगी, ठीक है, विलियन विलियन सब है ना, यहाँ ये ब्राउन रिंग दिखेगी, ठीक है। तो ब्राउन रिंग जो है वो इंडिकेट करती है नाइट्रेट की उपस्थिति, अगर वलय बनी मतलब तुम्हारे लवण में नाइट्रेट है, और नहीं बनी मतलब नहीं। अब ऐसा हुआ ही क्यों, तुमने किया गया, तुमने टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में तुमने नाइट्रेट आयन का कोई भी सॉल्ट ले लिया, जो भी एग्जामिनर ने तुम्हें टेस्ट करने को दिया, अभी तुम्हें एक पाउडर दे दिया, लो टेस्ट करो नाइट्रेट है कि नहीं, है ना। तो तुम्हें क्या करना है, सॉल्ट लो, ठीक है, उसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड ताजा बना हुआ FeSO4 डालो और सांद्र H2SO4 डालो, दीवार के सहारे जहां तीनों मिलेंगे वहां ब्राउन रिंग बन जाएगी। रिंग बनेगी मतलब तुम कहोगे भाई रिंग बनी, इसका मतलब क्या है कि आपका नाइट्रेट आयन है। अब ऐसा हुआ ही क्या होगा, तो भाई ये नाइट्रेट आयन जो है फेरस आयन को अम्लीय माध्यम में फेरिक में कन्वर्ट कर देगा Fe+3, खुद आपका एनओ बना लेगा, और साथ में क्या है तो वाटर, ठीक है। नाइट्रेट आयन है फेरस आयन को फेरिक में ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद का क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन एनओ। अब ये जो FeSO4 का ताजा बना हुआ विलयन जो मैंने मिलाया है, तो तुम्हें पता है एफी को जल में घोलूंगी तो ये संकुल रूप में रहता है, ये सारा फेरस दोनों कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। तो जो पहले वाला है, ये जो FeSO4 का ताजा बना हुआ विलयन है पानी में बनाया था ये, तो ये एनओ जैसे ही बनेगा ना, ये इस संकुल में एंट्री करेगा, ठीक है, और इस संकुल में एंट्री करके क्या करेगा, एक वाटर निकाल के खुद आ जाएगा। तो ये हो गया FeH2O होल 5 और ये NO
और ये एनो प्लस के रूप में ध्यान रखना, प्लस वॉट, ठीक है। इस अंकुल में एनो नहीं है, इस अंकुल में क्या है, एनो प्लस है, ठीक है। और पूरे संकुल का आवेश तुम्हें पता ही क्या है, तो मैं कहूँगी पूरा कॉम्प्लेक्स जो है वो प्लस टू है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस संकुल में एफी का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो वन आएगा, तभी तो ये अनस्टेबल है ना। ब्राउन रिंग बनती है थोड़ी देर में और क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। तो भाई अगर ये जो संकुल बनाना है ना, तो इस संकुल को हम क्या बोलते हैं, भूरा वलय। इस संकुल को हम बोलेंगे ब्राउन रिंग भूरा वलय, ठीक है। तो फेमस ब्राउन रिंग टेस्ट, समझ में आ गया आपको, फेमस ब्राउन रिंग टेस्ट क्या है, देखो वापस बताती हूँ। तो फेमस ब्राउन रिंग टेस्ट है कि हमने ताजा बना हुआ FeSO4 का विलयन डाला था, ठीक है। तो Fe+2 पानी के साथ भी है और Fe+2 फॉर्म में भी है ना। तो ये जो Fe+2 है ये नाइट्रेट आयन से ऑक्सीकृत हो जाता है। नाइट्रेट पहले इसको कॉम्प्लेक्स से बाहर निकालता है, ठीक है। और माध्यम कौन सा है, तो हम कहेंगे अम्लीय। अब नाइट्रेट एनो में कन्वर्ट हो गया, दो ऑक्सीजन बचे ना, तो मैं चार HN ले लेती हूँ, तो ये बना एनो। फेरस कन्वर्ट हो गया फेरिक के अंदर और दो वाटर बन जाएंगे, हाँ, तो दो जल के अणु बन गए। तो नाइट्रेट का तो अपचयन हो गया एनो में, ठीक है, और बचा क्या, तो हम कहेंगे फेरस जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया किस में, तो हम कहेंगे फेरिक आयन के अंदर, ठीक है। तो फेरस कन्वर्ट हो गया फेरिक में, बैलेंस करना है तो यहाँ तीन और तीन लगा दो, ये बैलेंस है, ठीक है, चार्ज बैलेंस है। अब क्या करें, तो भाई एनो तो बनी गया, फेरस का जो हमने ताजा विलयन बनाया था, तो Fe+2 अगर पानी में जाता है, तो Fe+2 पानी में जाते ही क्या हुआ, देखो ताजा बना हुआ विलयन इसलिए क्योंकि ये संकुल अवस्था में एकदम से नहीं बनेगा, थोड़ा टाइम लगेगा कॉम्प्लेक्स बनने में, तो शुरू शुरू में तो ये रिएक्ट कर जाएगा। फिर अगर ये संकुल बना लेता है, ठीक है, तो ये संकुल एनो से क्रिया कर लेता, ठीक है। अब यहाँ एनओ एनओ प्लस में बदल जाएगा और ये इस तरह का संकुल बनाता है, Fe H2O 5, एक पानी का अणु उड़ा दो, एनओ प्लस, प्लस टू है, प्लस आपके पास एक वाटर जो है उसको बाहर निकाल दो। अब ये संकुल है, लेकिन ये अनस्टेबल संकुल है, अस्थाई संकुल, ठीक है। और ये संकुल जो है ये ब्राउन रिंग के रूप में होता है, भूरी वलय के रूप में होता है, इसलिए फेमस ब्राउन रिंग टेस्ट, ब्राउन रिंग टेस्ट बहुत फेमस है और आपने लैब में करा होगा, और नहीं कराया तो आपको पता तो होना ही चाहिए कि हाँ ये ऐसा टेस्ट होता है, ठीक है। अब ये अस्थाई संकुल क्यों है, तो बच्चे इस संकुल में Fe जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है ना। इस संकुल में Fe +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, चेक कर लो, अगर एनओ प्लस है ना तो FeX वाटर तो जीरो ही है, +1 = +2, तो X बराबर कितना आएगा, X+1 = +2, तो X = 1 आएगा, ठीक है। तो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर Fe+1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, इसलिए ये जो संकुल है बच्चों, इसलिए यह संकुल अस्थाई होता है, ठीक है। दिस कॉम्प्लेक्स इज अनस्टेबल, यह संकुल अस्थाई होता है, ठीक है। तो ये हमारा है फेमस ब्राउन रिंग टेस्ट, नाइट्रेट आयन की परीक्षण है ना, नाइट्रेट आयन की क्षमता फेरस को फेरिक में ऑक्सीडाइज करने के लिए, या फेरस की पावर कि नाइट्रेट को एनो में क्या कर दे, अपचयित कर दे। तो आई थिंक थक गया तो आई थिंक आज काफ़ी कुछ पढ़ लिया हमने, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स पढ़ लिए, नाइट्रिक एसिड पढ़ लिए, उनकी प्रिपरेशन पढ़ ली, उनकी कैरेक्टर्स पढ़ लिए, उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, स्ट्रक्चर पढ़ ली, काफ़ी कुछ पढ़ लिया, तो आपका ज्ञान काफ़ी बड़ा होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। ये चैप्टर थोड़े से लेंदी होते हैं, थोड़ा आपको लगता है कि हाँ बोर हो जाता हूँ, बट ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, अगर ये चैप्टर्स आपको अच्छे से आते ना, तो कंपटीशन में क्या होता है कि इनमें डिटेलिंग नहीं होती है ज़्यादा, अगर आपको रिएक्शंस वगैरह याद है तो कहीं ना कहीं कोई हिंट मिल जाएगा कि आप क्वेश्चन पकड़ लें और आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बोर्ड में तो सिंपल क्वेश्चन आते, नीट और JEE में भी अगर आपको इनकी थोड़ी रिंग्स और इनके थोड़ा कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, ज़्यादा है ना इनमें ऐसा कुछ हाँ हो वाला क्वेश्चन बनता नहीं है ना, आप निकाल सकते हैं इन क्वेश्चन को। तो ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है। अगर अच्छा लग गया हो तो लाइक कर लेना, शेयर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, कहीं कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके बता देना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।